क्लास आज हम अपनी चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 9 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा। तो इसमें यही चीज़ें पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र वगैरह हम डालते हैं, इसकी वजह से ज़्यादा एक्सेस में हो जाने के कारण मिट्टी को ये हार्म करता है। ठीक है, इम्प्रॉपर डंपिंग ऑफ गार्बेज, हम मिट्टी में क्या करते हैं कि खूब सारा गार्बेज फेंकते चल जाते हैं। आपने घर में भी देखा होगा जो है खाली जो प्लॉट होता है आप उसमें कूड़ा फेंकते चल जाते हैं, उससे क्या होता है जो मिट्टी है उसी को ही हार्म होता है। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक वगैरह कभी भी आपको पता है डीकम्पोज मिट्टी में नहीं होते, तो प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा हार्म करते हैं। द एनिमल एक्सक्रीट मे ऐड सम हार्मफुल केमिकल्स टू द सॉइल। अब साथ में एनिमल्स एक्सक्रीट वगैरह जो होता है, जैसे मान लो कि कुछ एनिमल्स है मालो बीमार वगैरह या कुछ ऐसे जो एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है कुछ हार्मफुल केमिकल्स वगैरह जो निकलता है वो मिट्टी को हार्म कर सकता है। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द सॉइल पॉल्यूट इट। सिमिलरली सॉइल कोल माइनिंग, ठीक है, एंड मेटल प्रोसेसिंग यूनिट्स इंट्रोड्यूस टॉक्सिक वेस्ट इन द सॉइल एंड मेक इट पॉल्यूटेड। कुछ ऐसे माइंस वगैरह होते हैं जहाँ से कोयला वगैरह खोद के निकाला जाता है, तो वहाँ से भी कुछ ऐसे टॉक्सिक वेस्ट निकलते हैं जो मिट्टी को हार्म करते हैं। ऐसे ड्रेन, ठीक है, थोड़ी अगर वाटर जो होता है वो नेचुरली होता है तो उसमें थोड़ा सा एसिडिक होता है, वो प्लांट के लिए हेल्पफुल होता है। पर यही अगर एसिड रेन एक्सेस मतलब कि एक्सेस भी हो रेन में एसिड, तो वो ज़्यादा मिट्टी को हार्म कर देती है। ओके, अब एक कंट्रोलिंग ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, आखिर कंट्रोल कैसे करते हैं कर सकते हैं सॉइल पॉल्यूशन को। ठीक है, तो ये रीज़न इसका बहुत सारे तरीका है। ठीक है, सॉइल वेस्ट शुड नॉट बी डम्प्ड ऑन द लैंड। ठीक है, इंस्टेड दे शुड बी रिसाइकल्ड। ऑल्सो प्रॉपर मेजर ऑफ डिस्पोजल ऑफ सीवेज शुड बी अडॉप्टेड। ठीक, अब क्या है कि डंपिंग जो कर देते हैं वहाँ पे, ये ना करने के बजाय हम इसको रिसाइकल, कोई भी जो चीज़ फेंक रहे हैं प्लास्टिक की हो या कोई चीज़ है उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, फेंकने के बदले जो मिट्टी को हार्म कर सकते हैं। ठीक है, अवॉइड एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब कि पेस्टिसाइड्स वगैरह जो फार्मिंग में यूज़ होता है उसको कम से कम यूज़ करना। ठीक है, मिनिमाइजिंग द इमिनेशंस फॉर फ्रॉम मोटर व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, साथ ही साथ कम से कम मतलब कि मोटर व्हीकल्स वगैरह से, इंडस्ट्री वगैरह से जो गंदगी निकलती है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको कम से कम कंट्रोल करना, कम से कम वो निकले उसको उसका ध्यान रखना। इन सबसे सॉइल को पॉल्यूट होने से हम बचा सकते हैं। लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड माइंस शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड लेक्स। जैसे वेस्ट मटेरियल कोई भी अगर कंपनी से फैक्ट्री से निकल रहा है तो उसको पहले से ही ट्रीट कर देना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ट्रीटेड मतलब कि सही से उसे पहले साफ करके फिर उसे बाहर कंपनी से फैक्ट्री से उसे बाहर छोड़ना चाहिए, ताकि वो आगे जाके ना तो नदियों को ना ही मिट्टी को पल्यूट करे। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन ही होता है मिट्टी का कटाव। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं जब बारिश होती है या कुछ ऐसा होता है तो मिट्टी क्या होती है वह उस जगह से हट जाती है। ठीक है, तो ये इसे क्या कहते हैं सॉइल इरोजन, अ सीरियस प्रॉब्लम दैट फार्मर्स फेस टूडे और सॉइल इरोजन। अब देखो, मिट्टी अगर कहीं जगह से कट रही है तो क्या होगा, मिट्टी नहीं रहेगी तो क्या फार्मर प्लांट ग्रो कर पाएंगे, क्रॉप्स उगा पाएंगे? नहीं। तो यही रीज़न है। और ये क्यों कट रही है, क्योंकि हम ज़्यादा ज़्यादा पेड़ काटते जा रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है जो पेड़ है वो उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं। ठीक है, मिट्टी को होल्ड करके रखती है, पर अगर हम पेड़ को ही बड़ी मात्रा में काटे जा रहे हैं, ठीक है, डिफ्रॉस्टेशन करते जा रहे हैं यानी कि जंगलों को काटते जा रहे हैं, तो मिट्टी का क्या है, मिट्टी को जकड़ के रखने वाला कोई नहीं है। तो बारिश होती है या फिर बाढ़ आती है तो मिट्टी बहुत बड़ी मात्रा में बहकर चली जाती है। ठीक है, यही होता है सॉइल इरोजन, और क्यों होता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अब इसका क्या है, अब इसमें कौन सा लेयर जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल इसलिए है क्योंकि इसका जो ऊपर वाला मोस्ट लेयर जो होता है, टॉप मोस्ट लेयर जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, वो ही बहकर जाती है। ठीक है, नीचे वाला टॉप सॉइल ही बहकर चली जाती है, इसी वजह से ये ज़्यादा टेंशन वाली बात होती है कि इसको आके जल्दी से जल्दी रोकना पॉसिबल हो, ताकि फार्मर वगैरह जो है क्रॉप्स वगैरह प्रॉपरली ग्रो कर पाए। फैक्टर लीडिंग टू द सॉइल इरोजन, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके वजह से ये मिट्टी का जो कटाव होता है वो है, पहला है डिफ्रॉस्टेशन। ठीक है, बड़ी मात्रा में जो हम जंगलों को काटे जा रहे हैं अपने चीज़ों को बनाने के लिए अपने लिए, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, डिफ्रॉस्टेशन होता है। रिमूवल ऑफ ट्री ऑन द लार्ज स्केल, बड़ी मात्रा में जब हम पेड़ों को काटते हैं हटाते हैं उन्हें क्या उसे क्या कहते हैं, डिफ्रॉस्टेशन। और हम ये क्यों करें, अपनी जरूरत के कारण। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग मतलब कि जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चरा देना। आपने देखा होगा कि जो बंजारे होते हैं या जिनके पास जानवर होते हैं वो बड़े फील्ड में छोड़ देते हैं जानवरों को, वो क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उन्हें तो पता नहीं क्या खाना है, वो सारे के सारे जो छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, उसको खा लेते हैं। ठीक है, ग्रेस कर लेते हैं, इसके वजह से मिट्टी जो है बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है लैंड। ठीक है,
द टॉप सॉइल ऑफ बैरन लैंड इज ईजिली इरोडेड. ठीक है, और टॉप सॉइल इसीलिए बैरन भूमि का जो फिर बंजर भूमि का जो टॉप सॉइल है, फिर अगर बारिश वगैरह हुई या कुछ हुई वो तो वो भी टॉप सॉइल में आकर चली जा सकती है. इम्प्रॉपर फार्मिंग, अब साथ ही साथ इम्प्रॉपर फार्मिंग की भी, कि आखिर खेती करने का कोई ढंग है उसके तरीके से नहीं करते, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ये मिट्टी का कटाव हो जाता है. ठीक है, फ्लोइंग ऑफ टीलिंग लूज इन द सॉइल विच कैन बी ईजिली इरोडेड बाय विंड एंड वाटर. द लेयर ऑफ ह्यूमस गेट डिप्लीटेड एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल ऑल्सो कम्स डाउन ड्यू टू द एक्सेसिव फार्मिंग. अगर एक भूमि पे हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको थोड़ी टाइम के लिए उसको अपने मिनरल्स को बढ़ाने का टाइम नहीं देते, छोड़ते नहीं हैं, एक के बाद उस भूमि में हम फसलें उगाते जा रहे हैं, तो भी क्या होता है, उस मिट्टी की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, और इसकी वजह से भी जो मिट्टी का कटाव होता है. ठीक है, तो इम्प्रॉपर फार्मिंग, ओवर ग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन के कारण ये जो सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है ये होती है. ठीक है, आप इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ इरोजन ऑफ सॉइल इज नोन एज अ सॉइल कंजर्वेशन. ठीक है, आगे अब सॉइल मतलब कि मिट्टी के कटाव को बचाने के लिए जो स्टेप लिए जा सकते हैं उसे कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि मिट्टी को बचाना, सुरक्षित रखना. ठीक है, संरक्षित रखना सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है. सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर एज फॉलोज. देखो, अब ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिससे हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं. तो ये है कि आप इसको खुद ही पढ़ेंगे, मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि डिफ्रॉस्टेशन है, अगर कम से कम हम पेड़ों को काटें, ज़्यादा पेड़ लगाएं तो डिफ्रॉस्टेशन कम हो सकता है. ठीक है, साथ ही साथ जो विंड वगैरह है फील्ड में है, ट्री शुड बी प्लांटेड. क्यों, क्या होता है कि अगर हम किसी फील्ड पे प्लांट लगाते हैं तो हवा क्या करती है, मिट्टी को बहाकर मतलब कि अपने साथ बहाकर नहीं ले जा पाती. ठीक है, तो इससे भी जो मिट्टी का कटाव रुक जाता है. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं हम, कभी ब्रिक्स आर सो दैट वाटर द कैनल्स ऑफ द वाटर चैनल्स फ्रॉम द कैनल्स शुड बी मेड विद अ कॉन्क्रीट और ब्रिक्स सो दैट वाटर डज नॉट प्रोक्लेट. दीज विल प्रिवेंट वाटर लॉगिंग. ठीक है, साथ ही साथ हम वो कैनल बनाते हैं उसको क्या ब्रिक्स वगैरह से कॉन्क्रीट वगैरह से बना देना चाहिए, ताकि चाहे बारिश होती है तो मिट्टी बहकर ना जा पाए. ठीक है, ओवर ग्रेजिंग जो होती है, जो जानवर चर लेते हैं, जब बंजर भूमि पे हम छोड़ देते जानवरों को, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए, ताकि एनिमल्स को मतलब कि उस जगह पे नहीं ले जाना चाहिए जहाँ पे कम बंजर भूमि है, तो नहीं तो वो बचे कुचे भी प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रेस कर लेते हैं, उसकी वजह से भूमि जो ग्राउंड जो होता है वो बैरन हो जाता है लैंड. इसलिए सॉइल लेफ्ट बेयर आफ्टर हार्वेस्टिंग अ क्रॉप शुड बी कन्वर्टेड विद ड्राइड वेजिटेशन टू प्रिवेंट इरोजन. स्टेप स्लोप्स दैट कैन नॉट बी फ्लोर शुड बी कवर्ड विद अ ग्रास एज पेस्चर क्रॉप्स. अच्छा, क्या होता है कि इसी का रीज़न है, जैसे प्रॉपर फार्मिंग है, फार्मिंग करने का सही तरीका होना चाहिए. जैसे कि कुछ टाइम बाद कुछ ऐसे पौधे लगा दिए जाए थोड़े टाइम के लिए, उस भूमि को क्रॉप्स काटने के बाद उसको छोड़ देना चाहिए, ताकि छोटे छोटे पौधे जो हैं उगे रहें. ठीक है, क्योंकि लगातार हम किसी फार्मिंग करते रहते हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तो उसको ये हम मौका दें लैंड को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें, ताकि वो फिर से अपने को कवर कर पाए, फिर उसमें दूसरी फसल उगा देनी चाहिए. ठीक है, या फिर कुछ ऐसे फसल उगा दें जो कि मिट्टी को जकड़ के रखे अच्छी तरह. तो ये सारे हमारे कुछ स्टेप्स हैं जो सॉइल को कंजर्वेट करने में काम आ सकते हैं. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है.